दोस्तों अपने मोबाइल नंबर को गूगल ड्राइव पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल में किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लेंगे तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने मोबाइल में उसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों कई बार तो अपने मोबाइल में किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करते हैं और अपना मोबाइल को रीसेट या आपको रिबूट करते हैं तो अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो गाइस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर को गूगल ड्राइव पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपलोड करना नहीं आता है तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा और आपके पास में मोबाइल नंबर या किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करना सीख के जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन घंटी दिखाई दे रही उसको भी ऑल पर प्रेस कर देना। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी इच्छानुसार किसी भी कॉन्टेक्ट को सेव कर सकते हो। जैसे मैं अपने कॉन्टेक्ट को नंबर को सेव करना चाहता हूँ तो गाइस आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा मेरे कॉन्टेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा। जैसे मैं किसी भी अदर कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करना चाहता हूँ तो इस प्रकार क्लिक कर लेना और उसको ओपन कर लेना। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर कोने में थ्री डॉट का बटन मिल जाएगा उस पर क्लिक करके शेयर का बटन पर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। जैसे यहाँ से कंटिन्यू करके आपका यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन दिखाई दे रहा उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल में ये फोटो होगा या अपने मोबाइल नंबर होगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर लेना। जैसे उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल में ड्राइव को ओपन कर लेना। जैसे मैं अपने मोबाइल में ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा मैं अपने मोबाइल में ड्राइव को ओपन कर रहा हूँ तो गाइस आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा मेरे मोबाइल में गूगल ड्राइव पर आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हो गए वो सेव हो चुके हैं। तो गाइस आप भी अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव पर किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।